अब हम लोग जो तीसरा चैप्टर है वर्णिका का, म का, अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, ऐसे आप किताब निकाल ले रहे हैं, पीछे में दिया हुआ है क्वेश्चन। माँ मंगू को अस्पताल में, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती, क्वेश्चन मार्क देंगे। विचार करें, उसी में लिखिए विचार करें, आपको बता ही दिए कि क्यों नहीं कराना चाहती थी, लिखिए आंसर में। माँ मंगू को अस्पताल में, माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती कराना नहीं चाहती थी कि, इसलिए भर्ती कराना नहीं चाहती थी कि उसका मानना था कि जब मैं माँ होकर इसकी देखभाल नहीं कर सकती, इसकी देखभाल नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले पराए होकर, तो अस्पताल वाले पराए होकर इसकी क्या देखभाल करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, कहे कि मन में क्वेश्चन सोच रही है, इसकी क्या देखभाल करेंगे अस्पताल में बे लोग मरीजों को जानवर की तरह रखते हैं। अस्पताल में वे लोग मरीजों को जानवर की तरह रखते हैं, पूर्ण विराम देंगे। मंगू को अस्पताल में भर्ती करा देने पर उसे मुंह में डालकर कौन खिलाएगा, उसे मुंह में डालकर कौन खिलाएगा, क्वेश्चन मन में सोचती है तो क्वेश्चन मार्क देंगे कि कौन खिलाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क, मुंह में डालकर कौन खिलाएगा। लिखेंगे और में, उसके गीले कपड़े तथा बिछावन कौन बदलेगा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क। उसके गीले कपड़े और बिछावन कौन बदलेगा, उसे मार पीट करने वाले मरीजों से कौन बचाएगा, क्वेश्चन मार्क। उसे मार पीट करने वाले मरीजों से कौन बचाएगा, उसे अपने साथ कौन सुलाएगा, उसे अपने साथ कौन सुलाएगा, क्वेश्चन मार्क। इन्हीं सभी बातों को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 द एंड। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, मंगू के प्रति माँ, तो किताब में है, यह है क्वेश्चन, मंगू के प्रति माँ और मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के और परिवार के अन्य सदस्यों के
व्यवहार में जो फर्क है, व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें, उसे अपने शब्दों में लिखें। इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना कि मंगू के प्रति माँ का व्यवहार कैसा था और उसके परिवार में जो अन्य सदस्य थे, माने वो और बहन थी और भाई और भाभियाँ थी, वह मंगू के प्रति कैसा व्यवहार करती थी, यही इस क्वेश्चन में लिखना है। आंसर लिखेंगे, मंगू के प्रति माँ, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में, परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में काफी अंतर है, काफी अंतर है। पूर्ण विराम देंगे, माँ मंगू को काफी प्रेम करती है, माँ मंगू को काफी प्रेम करती है। पूर्ण विराम देंगे, उसे अपने साथ सुलाती है, उसे अपने साथ सुलाती है। कोमा देंगे, खिलाती है, खिलाती है और उसका मल मूत्र साफ करती है, और उसका मल मूत्र साफ करती है। पूर्ण विराम देंगे, जबकि मंगू की बड़ी बहन, जबकि मंगू की बड़ी बहन कमू का अम्मू, कमू का यह विचार है कि, कमू का यह विचार है कि माँ के, माँ के अत्यधिक प्यार दुलार, माँ के अत्यधिक प्यार दुलार के कारण ही मंगू और अधिक बिगड़ गई है, और अधिक बिगड़ गई है। मंगू की भाभियां, मंगू की भाभियां उससे प्यार नहीं करती है, उससे प्यार नहीं करती है। पूर्ण विराम देंगे, भाइयों को, भाइयों को उससे कुछ प्रेम है, लेकिन, लेकिन अपनी पत्नियों, लेकिन अपने पत्नियों के व्यवहार से, अपनी पत्नियों के व्यवहार से अपनी भावनाओं को, अपनी भावनाओं को वे व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। पूर्ण विराम देंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से मंगू के प्रति, मंगू के प्रति माँ को छोड़कर, मंगू के प्रति माँ को छोड़कर किसी का भी व्यवहार, किसी का भी व्यवहार अच्छा नहीं है, किसी का भी व्यवहार अच्छा नहीं है। हो गया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, कुसुम के पागलपन में, कुसुम के पागलपन में सुधार देख, कुसुम के पागलपन में सुधार देख। मंगू के प्रति माँ, मंगू के प्रति माँ कौमा देंगे, परिवार और, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को,
परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें, अपने शब्दों में लिखें। इसका मतलब पहले क्वेश्चन समझिए, यानी मंगू तो जानबे करते हैं कि मंगू के गांव की कुसुम थी और उसका पागलपन में जब सुधार हो गया तो सब क्या क्या प्रतिक्रिया, मतलब क्या क्या उस पर रिएक्शन अपना अपना दिया, वही लिखना है आंसर में। लिखिए, कुसुम पागल होने के बाद अस्पताल गई। कुसुम पागल होने के बाद अस्पताल गई। कुसुम पागल होने के बाद अस्पताल गई। पूर्ण विराम देंगे। वहां के इलाज से वह चार महीने में ठीक होकर लौटी। इसके बाद माँ ने कुसुम को बुलाकर अस्पताल के कर्मचारियों के व्यवहार और व्यवस्था के बारे में पूछा। पूर्ण विराम देंगे। जब कुसुम ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार बहुत ही अच्छा है, और वहां की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, तो माँ के मन में परिवर्तन आया और वह मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने को तैयार हो गई। ये तो माँ के बारे में है। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे कुसुम के स्वस्थ होने पर परिवार के लोगों का विचार भी बदल गया और उन्हें लगा कि मंगू भी ठीक हो सकती है अतः अस्पताल भेजने का उन सबों ने मन बना लिया। ये तो परिवार के माँ के बारे में हो गया, परिवार के बारे में हो गया। फिर थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करेंगे, अब समाज वाला लिखना है। लिखिए, कुसुम के ठीक होने पर समाज और गांव के लोग भी माँ को सलाह देने लगे कि थोड़ा सा डैश दे देंगे, मतलब क्या सलाह देंगे। माँ जी, माँ लिखेंगे और उसके बाद बगल में जी, माँ जी आप मंगू को एक बार अस्पताल में भर्ती करके तो देखें। पूर्ण विराम दे देंगे।
वह जरूर अच्छी हो जाएगी, वह जरूर अच्छी हो जाएगी। पूर्ण विराम देंगे, तीन क्वेश्चन इस चैप्टर में लिखा दिए हैं जो जो मेन मेन था। फिर अगले वीडियो में हम दो तीन क्वेश्चन और लिखाएंगे, उसके बाद तीन चैप्टर आप लोग का खत्म हो जाएगा। उसके बाद अभी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। फिर बाद में ये पतला वाला दो कहानी तो बची रहा है, दो अपना अक्टूबर नवंबर में पढ़िएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सब्जेक्ट आप लोग का चेंज हो जाएगा। इसके बाद तीन क्वेश्चन इस वीडियो में है, उसके बाद दो तीन क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद ही वर्णिका को अभी एकदम छोड़ देना है पूरी तरह से। सब याद करते जाए पीछे वाला, यही काम आवेगा। बस डोलने से इधर उधर से कोई फायदा नहीं है। बाद में परीक्षा में ऐसा होता है कि सब सवाल से ढक ढक करके बनाता है, सब दोस्ती यारी खत्म हो जाएगा, कोई किसी को परीक्षा में नहीं बताता है। यह बात हम पहले भी बताए हैं कि इस बार तो इलेक्शन था, तब चोरी चीटिंग भी हुआ, चोरी भी चला, लेकिन इलेक्शन अगला साल तो है नहीं, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन खत्म हो जाएगा, तो अगला साल टाइट एग्जाम लेगा। इसलिए कैसे पढ़ना है वो आप सोचिए, समय को बर्बाद न करें, अच्छे से पीछे वाला याद करके रखें, क्योंकि क्लास जब खुलेगा तो हम जितना पढ़ा रहे हैं सब सुनेंगे, जरूर याद रखेंगे सब। बस।